अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो भी रिकमेंड करे। भिवंडी के लिए खतरनाक है ये 5 पहाड़ियां। भिवंडी शहर और आसपास के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के कारण कई इमारतों का मलबा गिर गया है। नगर पालिका को चाहिए कि पहाड़ी पर स्थित घर को खाली कराए और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए, जिससे बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता है। भिवंडी महापालिका क्षेत्र के अंतर्गत 5 पहाड़ियां अत्यंत खतरनाक है, जिनमें देवजी नगर, शांति नगर, नायगांव, रामनगर, नूरी नगर, नई बस्ती और शास्त्री नगर है। इन पहाड़ों पर भारी संख्या में लोग रहते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का डर है। भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग है। भिवंडी शहर में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला। वहीं भिवंडी निजामपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3,89,800 रुपए का गुटखा जब्त किया। खबर मिलने पर निजामपुरा पुलिस ने खाड़ी पार के क्रांति नगर में कलाम बिल्डिंग के पहले माले से अलग अलग किस्म के गुटखा जैसे दिलबाग, पान मसाला, विमल, राजहंस, सिग्नेचर कुल 3,79,300 रुपए का तबैको बरामद किया। आज भिवंडी एनसीपी की महिला अध्यक्ष स्वाति कामले ने प्रांत ऑफिस में मणिपुर में हो रहे हिंसा के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्वाति कामले ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि उन्हें मणिपुर के समाज की 2 महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के दोषियों को गिरफ्तार कर सजा देनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा, अगर आप ये नहीं रोक सकते तो इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दे। दहेज के लिए तोड़ा पीड़िता का हाथ, नारपोली पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। मिली जानकारी के मुताबिक बोरीवली में रहने वाली 22 वर्षीय स्वीटी गौंड की शादी मई 2022 में भिवंडी नारपोली के देवजी नगर में रहने वाले कुंदन गौंड से हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वालों ने 3 लाख रुपए दहेज लाने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से स्वीटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वहीं 16 जुलाई को स्वीटी के सास ससुर ने लात घूंसे से मारकर और जेठ ने ओढ़नी से गला दबा दिया। साथ ही उसके पति ने लोहे के दौर से मारकर उसका दायां हाथ तोड़ दिया। जख्मी स्वीटी ने सारा मामला नारपोली पुलिस स्टेशन में बताया। पीड़िता के पति कुंदन समेत सभी ससुराल वालों पर सेक्शन 458, 325, 323, 504 और 34 के तहत हुआ मामला दर्ज। भिवंडी के विठल नगर रतन टॉकीज के पास स्थित भिवंडी इंग्लिश हाई स्कूल की इमारत का कुछ हिस्सा जर्जर होकर गिर गया था, जिसके बाद महानगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए स्कूल और उसके आसपास के कुछ हिस्से और दुकानों को तोड़ दिया। इस हादसे में कोई जानहानि नहीं। नासिक में एक शख्स पर तेंदुए ने किया हमला। नासिक के आनंद नगर गुलमोहर कॉलोनी में इंसानों की बस्ती में तेंदुए घुस आने की खबर से लोगों में दहशत फैली थी। खबरों के मुताबिक नासिक में कदम लॉन्च के पास तेंदुए ने एक राह चलते शख्स पर अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद वो शख्स बुरी तरह घायल हो गया, जिसे स्थानिकों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। इस हादसे के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया और रात में लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया। साथ ही तेंदुए की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पिछले 10 दिनों में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि भारी बारिश के कारण करीब 4,500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश से अब तक 2,796 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार भारी बारिश से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रायगढ़ लैंडस्लाइड में हुई 27 लोगों की मौत। मुंबई से सटे रायगढ़ की एक दुर्गम पहाड़ी पर स्थित इरशलवाड़ी गांव लैंडस्लाइड के बाद अब तक इरशलवाड़ी गांव में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद अब तक 27 शव बरामद हुए जिसके बाद अब तक 27 शव बरामद हो चुके हैं। हादसे के बाद से लापता 57 लोगों को भी मृत मान लिया गया है। साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है, जिसमें दमकल विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिसकी रेस्क्यू के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। लगातार हो रही बारिश के चलते थाने जिले में स्थित तानसा डैम हुआ ओवरफ्लो। आसपास के गांवों को अलर्ट किया गया। प्रशासन ने शाहपुर, भिवंडी और वसई तालुका के आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश जारी किया है। ऑफिशियल्स का मानना है कि डैम कभी भी खोला जा सकता है, जिसके चलते आसपास के गांव को खाली कराया जा रहा है। हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट रहा घाटे में। आज सेंसेक्स 299 अंकों की गिरावट के साथ 66,384 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 72 अंकों की गिरावट के साथ 19,672 पर हुआ बंद। गोल्ड 59,073 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 74,108 और क्रूड ऑयल 6,465 पे ट्रेड करते हुए।